हेलो गाइस, जैसा कि मैं आपको बता दूं, हम भेड़ाघाट के पास त्रिपुर सुंदरी मंदिर होता है वहाँ जा रहे हैं। जो मेन रोड से हाँ, मंदिर त्रिपुर तक की सुंदरी। दूरी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर है। मंदिर में मैं, मेरी फैमिली, मेरे भाई भाभी सभी गए हुए हैं। ये देखिए, त्रिपुर सुंदरी मंदिर का जो मेन रोड से सीधा दिखता है। फिर हम जा रहे हैं। अब हम मंदिर तक पहुंचने वाले हैं। मंदिर के बीचों बीच यहाँ पूरी पार्किंग की व्यवस्था है। अभी हम नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है। नवरात्रि में भीड़ होने के कारण हम पहले ही आ गए हैं। ये मंदिर का दृश्य देखिए, यहाँ सभी ने अपने अपने मन्नतों के नारियल बांधे हुए हैं। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, ये हनुमान जी का मंदिर, ये माता जी की, यहाँ पर जोत जलती, हवन होता है। ये कई सालों पुराना मंदिर है। ये शंकर जी की पिंडी, ये यहाँ से देखिए नज़ारा, कितनी गहरी खाई है यहाँ पर। ये माता जी का मंदिर है। ये अभी आरती होने का टाइम हो गया है तो मंदिर के पट बंद हैं। हम मंदिर के पट खुलने का इंतज़ार वो कर देखो, रहे छोटा सा हैं। बच्चा कैसे चल रहा है। जब मंदिर के पट खुल जाएंगे तो हम पूजा करेंगे। शाम होने लगे, 6:30 बजे हैं। 6 बजे तक आप आ सकते हैं। 5:30-6 बजे मंदिर के ये पट बंद मन्नत हो वाले हैं जाते बेटा। हैं। ये यहाँ का बहुत अच्छा दृश्य है, शाम को ठंडा सुहाना, माता जी की भक्ति का। शाम को पूजा हो रही है। आरती हो रही है, ये हम आरती में सम्मिलित हुए हैं, मैं, मेरे बच्चे। आरती करने के बाद हमको अच्छे दर्शन मिल गए, माता जी का प्रसाद मिला। हम माँ से यही कामना करते हैं, जो भी इसे देख रहा है उसे सारी मनोकामना पूरी करें। जय माता त्रिपुर सुंदरी, जय माता दी, जय माता दी। मैंने माता जी का जो मंदिर का वर्णन किया, हो सकता आपको अच्छा लगे, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय, जय माता दी।